नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं एक प्रसिद्ध शिखर पर स्थित शिखरिणी छंद, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें बहुत सारे स्तोत्र ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारे काव्यों में इस छंद का प्रयोग हुआ है। इस छंद की विशेषता यह है कि इसमें कुल प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। हम इस शिखरिणी छंद को आज के इस पाठ में समझेंगे। शिखरिणी छंद का क्या लक्षण होता है, शिखरिणी छंद के क्या उदाहरण संभव हैं, उसको किस तरह से गाया जाता है और कौन सी इसकी गण व्यवस्था होती है, इसमें लक्षण के साथ कैसे समन्वय होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो सबसे पहले शिखरिणी छंद के लक्षण को देखते हैं। शिखरिणी छंद का लक्षण ऐसा होगा, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सभ लागह शिखरिणी। ये रसई रुद्रैश्चिन्ना छंद का लक्षण जो बनाते हैं केदार भट्ट जी वृत्त रत्नाकर में, उनकी विशेषता यही है। मैंने कई बार बताया है, हर बार आप सबको बताऊंगा कि जिस छंद का लक्षण बनाते हैं उसी छंद में बनाते हैं। तो अब आपको यदि शिखरिणी छंद का लक्षण क्या है, शिखरिणी छंद किस तरह से गाया जाता है, शिखरिणी छंद में क्या गण व्यवस्था होती है, ये सब कुछ जानना है तो पहली लाइन ये याद होनी चाहिए, रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभ लाग शिखरिणी। अलग अलग तरह से भी गा सकते हैं, बहुत सारे इसके राग हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह से गाते हैं लोग, पर हम तो काक कवि हैं इसलिए हम थोड़ा अच्छा सा नहीं गाते हैं। अब विशेषतया हम आपको इसको समझाएंगे। इसमें रस, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, रसई। रसई मतलब होता है रस, किसे कहते हैं, आप साहित्य में पढ़ेंगे तो नव रस होते हैं, पर व्यवहार में लोक में तो नव रस नहीं मिलते। व्यवहार में ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस मिलते हैं। वो 6 रस हैं मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, मीठा, खट्टा, तीता इत्यादि। जो ये 6 रस हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ये रस से 6 संख्या का बोध होता है। 6 संख्या का बोध क्यों होता है, क्योंकि रस 6 होते हैं। सूर्य से 12 का बोध क्यों होता है, क्योंकि सूर्य 12 होते हैं, द्वादश आदित्य। रुद्र से 11 का बोध क्यों होता है, क्योंकि 11 रुद्र होते हैं। तो ऐसे संख्याओं को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते थे पहले के समय में। तो सबसे पहले रस, रस मतलब 6। आप यदि शिखरिणी छंद के किसी भी श्लोक को गाते हैं तो शुरुआत में आपको 6 वर्णों पर रुकना है, रसई ही छिन्ना, ठीक, रसई ही छिन्ना। फिर उसके बाद 6 पर रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे तो फिर रुद्र यानी 11 पर रुकेंगे। अब 6 के बाद 11 यानी 6 और 11 कुल मिलाकर 17। कुछ लोग 6 के बाद 11 यानी इस तरह से समझ लेते हैं, पहले 6 पर रुके, यदा किंच जिज्ञो हम पर रुके, फिर उसके बाद 11 पे यानी यहाँ पे म पे रुके, 5 वर्ण और आगे चल के दीप इव म, फिर उसके बाद दांध समभम, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग, पर ऐसा नहीं है। रस पर यानी पहले 6 वर्ण पर रुके, फिर 6 पर रुकने के बाद वहां से फिर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू करके 11 पर रुकें। पहले 6 वर्ण पर रुकें, फिर उसके बाद चल के 11 वर्ण पर रुकें, यानी 6 और 11 कुल मिलाकर 17 वर्ण इस छंद में प्रत्येक पाद में मिलते हैं। और प्रत्येक पाद का यही संविधान है, प्रत्येक पाद का यही नियम है कि इसमें 6 वर्ण पर पहले रुकें और फिर रुद्र यानी रस यानी 6 पर, फिर रुद्र यानी 11 पर रुकें। छिन्ना मतलब छेदन किया जाता है इस छंद को, गाते समय रुका जाता है, गाते समय यति होती। तो पहले रस पर रुकते हैं, फिर रुद्र पर रुकते हैं, और फिर उसमें क्या है, रसई रुद्र ही छिन्ना, ये तो हम बता दिए। रस के द्वारा काटी जाती है और फिर रुद्र के द्वारा काटी जाती है, मतलब पहले गाते समय यहाँ रस पे काट देंगे, फिर उसके बाद रुद्र पर 11 वर्ण पे काट देंगे। तो ये हो गया रसई रुद्र ही छिन्ना। अब फिर उसके बाद ये गण व्यवस्था बता दिए, इस इतने वर्ण में यमन सभलागह में गण व्यवस्था बना दिए, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु। ला कहीं आ रहा है तो लघु का बोध होता है, ग कहीं आ रहा है तो गुरु का बोध होता है। तो इसमें गण की कुल कितने हैं, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, यानी कुल 5 गण हैं और फिर 1 लघु है, 1 गुरु है,
कुल यानी 5, 3, 15 और एक लघु 16 और एक गुरु 17, कुल इस तरह से भी 17 वर्ण होंगे। रस और रुद्र 6 और 11, 17 तथा गण व्यवस्था 17 अगर वर्ण है तो आप कल्पना कर सकते होंगे कि 17 को 3 से भाग दे देंगे 17 में कितने गण हो गए, तो आप ये कल्पना कर लेंगे तो पता चल जाएगा 17 में 5 गण होंगे और 2 एक्स्ट्रा वर्ण होंगे। तो वही 2 एक्स्ट्रा वर्ण एक लघु है एक गुरु है, और जो 5 गण है वो 5 गण कौन कौन से हैं इसमें शिखरणी छंद में, य म न स भ, ये इतने 5 गण हैं। अब आप जान गए कि शिखरणी छंद के जितने तरह के प्रश्न हो सकते हैं, शिखरणी छंद का लक्षण क्या है, तो रसई रुद्र छिन्ना यमन सदलाग शिखरणी ये लक्षण बता देंगे। शिखरणी छंद में यति, पहली यति कहाँ पर होती है, तो रस यानी 6 पर, दूसरी यति कहाँ पर होती है, तो रुद्र यानी 11 पर, कुल कितने वर्ण होते हैं तो 17 वर्ण होते हैं, लक्षण आप जानते ही हैं। गण व्यवस्था क्या होती है, इसमें कौन कौन से गण होते हैं, तो यगण मगण नगण सगण और भगण, फिर उसके बाद एक लघु और एक गुरु, ये सब कुछ जान गए। उदाहरण अब देख लेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है नीति शतक का है भर्तृहरि के, और कुछ लोग मुझसे कहते हैं, जैसे मैं इससे पहले के जो छंदों के लक्षण पढ़ाया हूँ आप सबको, जैसे अभी तक मैं 9-10 छंद पढ़ा चुका हूँ आपको, अनिष्टुप आर्या उपजाति इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा फिर वंशस्थ शालिनी मालिनी, ऐसे कुछ छंदों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उन छंदों में कहीं कहीं मैं लक्षण का जो उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण बताते समय उदाहरण का अर्थ भी बता देता हूँ, कहीं कहीं नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ, उसके प्रति कारण यही है, क्योंकि मैं यहाँ आपको सुभाषित नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको छंद पढ़ा रहा हूँ। और यदि मैं आपको छंद बता रहा हूँ तो छंद का लक्षण क्या है, छंद की गण व्यवस्था क्या है, छंद की यति क्या है, और छंद का लक्षण के साथ उदाहरण का समन्वय हो रहा है कि नहीं, इस श्लोक में यह छंद है कि नहीं है, यही इतना हमें सब साबित करना है। श्लोक के अर्थ से हमें कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है, फिर भी विशेष आग्रह होने के कारण इस श्लोक का मैं आपको अर्थ बताऊंगा। पहले श्लोक को समझेंगे, श्लोक को गाएंगे, गाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, पर मैं जिस तरह से जानता हूँ उस तरह से आपको गा के सुनाऊंगा। यदा किंचिज ज्ञो हम द्वीप इव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मि इत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति जरा इव मदो मे व्यपगतः। अलग अलग तरह से गा सकते हैं, मैंने पहले की दो लाइन दूसरे राग में गाई, दूसरे की दो लाइन दो अलग राग में गाई, आप सबको यही बताने के लिए कि कम समय में आप दो अलग राग जान पाए। पर अभी समझिए कि यदा किंचिज ज्ञों हम, जब मैं थोड़ा बहुत जानता था, बहुत कम जानता था, यदा किंचिज ज्ञान, किंचित जानातीत किंचित ज्ञान, उपपद तत्पुरुष समास है, जो किंचित मतलब थोड़ा सा ही जानता है वह किंचित ज्ञ कहलाता है। तो जो कुछ थोड़ा सा जब मैं जानता था, यदा मतलब जब, किंचित ज्ञ अहम, जब मैं किंचित ज्ञ था मतलब थोड़ा कुछ जानने वाला था, तो द्वीप इव मदान था समभवम, द्वीप मतलब होता है द्वाभ्याम पिबती इति द्वीपः, दो के द्वारा पीता है, दो के द्वारा पीता है, दो के द्वारा कौन पीता है, मुँह से भी और सूंड से भी, दो से पीता है, इसलिए हाथी को द्वीप कहते हैं, दो बार पैदा होता है यानी जन्म के समय और जनेऊ के समय, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहते हैं। तो द्वीप द्वाभ्याम पिबति इति द्वीप, तो दो बार पीता है, दो मुंह से पीता है, मुंह और नाक से दोनों से, इसलिए द्वीप इव मदान था, द्वीप मतलब हाथी, इव मतलब तरह, हाथी की तरह मैं मदांध हो गया। होता ही ऐसा है, जब कोई व्यक्ति पढ़ने आता है थोड़ा सामान्य ज्ञान हो जाता है तो वो बहुत मदांध हो जाता है कि अरे मेरे जैसा कोई जानकार नहीं, मैं भी इससे एक सूत्र पूछ लूंगा तो कुछ बोल नहीं पाएगा, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। तो द्वीप इव मदान था समभवम, मैं मद में अपने अहंकार में अंधा हो गया कि अरे मेरे जैसा तो कोई हो है ही नहीं, किसी को भी अवहेलना कर देता था। और तब यदा, जब मैं ऐसा मदांध हो गया, तब सर्वज्ञोऽस्मि, मैं सब कुछ जानने वाला, वस्तुतः वह कैसा है, किंचित ज्ञ है, थोड़ा सा ही जानता है, पर उसको क्या लग रहा है, सर्वज्ञोऽस्मि सर्वज्ञ अस्मि, तब मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा उसको लगने लगा। अवलिप्तम, ऐसा अवलिप्त जो उसका मन है, जो भ्रांत उसका मन है,
ऐसा उस मन को अभवत, मन को अभवत हो गया, मतलब मन को हो गया कि मैं सर्वज्ञ हूँ। अपने आप को, अपने मन को उसने मान लिया कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ। तो आप समझिए, है किंचित ज्ञ, थोड़ा सा ही जानता है, और लेकिन अपने आप को सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला समझ लिया। किंतु यदा किंचित किंचित, जब कुछ कुछ बुध जन सकाशाद अवगतम, बुध मतलब विद्वान जन, विद्वत जनों के सकाश में यानी समीप से अवगत यानी प्राप्त हुआ, जब मुझे थोड़ा थोड़ा और विद्वानों के संयोग से, विद्वानों के समीप से और थोड़ा थोड़ा जब अवगत हुआ, जब मैं और समझा, तब मुझे लगा तदा मूर्खोस्मि इति, तब मुझे लगा कि अरे अभी तो मूर्ख हूँ, थोड़ा सा जानने लगा था तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा था, पर तब जब मैं और थोड़ा जब जान गया, थोड़ा और जानने लगा, मतलब शुरुआत में लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ जान गया, पर जब धीरे धीरे और अध्ययन करते हैं और गहराई में जाने लगते हैं तो लगता है अरे ये तो सागर है, इसको हम नहीं तैर कर पार कर सकते हैं। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, इसके लिए आप लाखों वर्ष तक जिए, और लाखों वर्ष तक जिए ही नहीं, केवल पढ़ते ही रहें तो भी हमारे इस विद्या का पार नहीं कर सकते। इसलिए अब 50 साल की उम्र में क्या आप कर पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, अब मूर्ख ही हैं, अपने आप को मूर्ख ही समझना ज़्यादा ठीक है। तो तदा मूर्खोस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यवगतः, तो जब विद्वानों के पास आकर मेरा जैसे बुखार उतर गया, बुखार की तरह मुझे जो बुखार चढ़ा था वह मद व्यपगतः उतर गया। यह तो इस हो गया इसका अर्थ। अब इसमें हम शिखरिणी छंद है कि नहीं, यह हम समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले गाते समय रस पर रुकना होता है, फिर रुद्र पर रुकना होता है। चारों लाइनों में मैं गा के सुना दूंगा थोड़ा सा। यदा किंचित ज्ञों हम, कहाँ पे रुक रहे हैं, हम पे ध्यान रखिएगा। द्विप इव मदांध समभवम, समभवम पे रुके, फिर उसके बाद तदा सर्वज्ञोस्मि, स्मि पे रुक रहे हैं। त्यभवदवलिप्तम मम मनः, फिर उसके बाद यदा किंचित किंचित, किंचित पे रुक रहे हैं। बुध जन सकाशाद अवगतम, फिर अवगतम पे तदा मूर्खोस्मि इति पर रुक रहे हैं। फिर जरा इव मदो मे व्यपगतः। यदा किंचित ज्ञों हम, गिन लीजिए, यदा दो हो गए, किंचित दो हो गया, ज्ञों हम दो हो गया, कुल छह वर्ण पर पहले रुक रहे हैं। फिर स्मी पर रुक रहे थे, देख लीजिए, त दा स र्व ज्ञों, पांच हो गया, एक दो तीन चार पांच और मी छह, आधे वर्णों को, अवग्रह को, इन सबको नहीं गिना जाता। तो ये छह हो गए, छह पे रुके, फिर उसके बाद य दा दो हुए, किन चित दो हुए, किन चित दो हुए, कुल छह पर रुक रहे हैं। फिर त दा दो, मूर्खो दो, और मी ती दो, यानी छह पर फिर रुक रहे हैं ती पे, और आगे फिर गिन लेंगे तो 11-11 ही है चारों लाइनों में, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। द्वीप इव मदांध समभवम, देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। तो इस तरह से मतलब चारों लाइनों में आप देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसको और समझ सकते हैं। अब हम इसमें गण व्यवस्था समझ लेते हैं कि क्या गण व्यवस्था वास्तविक है, क्योंकि यति तो हम देख ले रहे हैं कि चारों लाइनों में गाते समय हम पहले रस पर यानी छः पर रुक रहे हैं और फिर आगे चल के रुद्र पर यानी 11 पर रुक रहे हैं। अब ये जो गण व्यवस्था है यानी यगण मगण नगण सगण भगण और लघु और गुरु, क्या ये वास्तविक रूप में चारों लाइनों में हैं और लक्षण में हैं कि नहीं है? तो यगण पहले होना चाहिए। यगण मतलब यमाता, यमाता यानी पहला, य लघु, मा ता गुरु। फिर मगण में क्या होता है, मा तारा यानी तीनों गुरु होते हैं। नगण में क्या होता है, तीनों लघु होता है, मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारः। तो लघु क्या हो, तीनों लघु वाला नगण हो गया। फिर सगण क्या हो गया, स ल गा, स और ल लघु, फिर उसके बाद गा गुरु। ये फिर ये हो गया भा, भा गुरु और न स लघु, भा न स वगण हो गया, लघु और गुरु ये सब जान गए। लघु गुरु का चिन्ह भी आप पहचानते हैं। तो अब मिला लेते हैं यगण क्या है। यगण को मैंने लाल कलर से रखा है इस लक्षण में भी, यहाँ भी और यहाँ उदाहरण में भी।
फिर मगन को काला रखा, यहाँ भी और ये चारों लाइनों में भी। फिर उसके बाद नगण, नगण यहाँ है इस चारों लाइनों में, वैसे का वैसा मिल जाएगा। सगण काले कलर में चारों लाइनों में मिल जाएगा। और फिर भगण लाल कलर में चारों लाइनों में मिल जाएगा। फिर लघु ये काले में, और फिर गुरु ये लाल में। तो इस तरह से मैंने मेहनत से इसको सजाया है, आप देख के इसको समझ सकते हैं। पर विशेषतया आप देख लीजिए क्या यगण मिल रहा है, यमाता। यमाता मतलब लघु और दो गुरु, पहला लघु दो गुरु, सही रु, ये रु गुरु माना जाएगा क्योंकि द और र का संयोग है। इसी तरह य लघु दा किन, दा भी गुरु किन भी गुरु क्योंकि य का च का संयोग है। फिर त लघु दा सर, ये दोनों गुरु, दा गुरु क्योंकि सर गुरु क्यों, क्योंकि र और व का गुरु संयोग है। फिर इसी तरह य लघु दा गुरु किन गुरु, फिर त लघु दा गुरु मू गुरु। ये तो यगण तो चारों लाइनों में मिल रहा है, उसी तरह मगण मिला लेंगे तो मगण भी मिल जाएगा, यानी तीनों गुरु होगा। चिज गुरु, ग्यो गुरु, हंग गुरु, व गुरु है क्योंकि ज और य का संयोग है वाक्य तुरंत बाद। ग्यो गुरु, मी गुरु, चित गुरु, किंग गुरु, चित गुरु। चित गुरु क्यों है, क्योंकि ता और का संयोग है। फिर उसी किंग गुरु क्यों है, क्योंकि य और च का संयोग है। फिर चित गुरु क्यों है, क्योंकि च और ता और ब का संयोग है। यहाँ त की जगह पे ब भी रख सकते हैं, यदा किंचित किंचित बुध जाना सकाशाद अवगतम, त की जगह पे द भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, संयोग है इसलिए ये भी गुरु। मुखो स्मी ति, खो गुरु है, स्मी गुरु है, ति भी गुरु है क्योंकि ज और व का संयोग है। तो मगण भी हो गया काला। अब नगण देख लीजिए, चारों लाइनों में तीन तीन वर्ण लघु मिल जाएंगे, य म न तीनों लघु, दि प ई तीनों लघु, य भ व तीनों लघु, बु ध ज तीनों लघु, व र ई तीनों लघु। तो अब ये हो गया। फिर उसके बाद स, सगण होगा। सगण यानी दो लघु और फिर उसके बाद एक गुरु, दो लघु एक गुरु। काले में देख लीजिए स भ ला, दो लघु और एक गुरु। व म दा, द व लिप, लिप गुरु माना जाएगा क्योंकि प और त का संयोग है। फिर न स का, व म दो, सभी लाइनों में देख लीजिए दो लघु मिल रहा है, फिर एक गुरु मिल रहा है, यानी पांच लगातार लघु यहां भी मिलेगा, तीन ये नगण वाला और दो सगण वाला। फिर इसके बाद पहले क्या होता है, पहला लघु, फिर पांच लगातार गुरु, फिर पांच लगातार लघु, ऐसी व्यवस्था है। फिर उसके बाद दो गुरु, तीन लघु, एक गुरु। तो मतलब इसमें कुल 17 वर्ण हैं, 17 वर्णों की इस तरह से व्यवस्था है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं भगण, यानी एक गुरु दो लघु। लाल में देख लेंगे गह शिख, गह गुरु शिख दोनों लघु। इसी तरह धह स म, धह गुरु स म लघु, तम गुरु म म लघु, शा गुरु द व लघु, मे गुरु व्यप लघु। तो ये तो हो गया भगण। फिर एक लघु चारों लाइनों में मिल जाएगा, भ म ग ग। और फिर एक अंतिम वर्ण जो है वो गुरु मिल जाएगा चारों लाइनों में, वम गुरु है क्योंकि अनुसार वाला होता है। सानुसार हो विसर्गांतो दीर्घ हो युक्त परश्च यह, अनुसार वाला, विसर्ग वाला, दीर्घ और युक्त पर जो है ये सब गुरु माना जाता है। तह ये नह, यह भी गुरु है क्योंकि विसर्गांत है। तम यह भी गुरु है क्योंकि विसर्ग अनुस्वारांत है। और यह तह ये गुरु है क्योंकि विसर्गांत है। तो इस तरह से हमने शिखरिणी छंद को विस्तार से पढ़ा इस पाठ में। आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं। शिखरिणी छंद के किसी भी उदाहरण में आपको कोई भी आपत्ति हो, महिम्न स्तोत्र पूरा इसी में है, और फिर अपने देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र कुछ पढ़ा होगा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, ये भी पूरे श्लोक इसी तरह हम इसी के छंद में हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे संस्कृत जगत के श्लोक हैं जो इस छंद में प्राप्त होते हैं। आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। विशेष सूचयितव्य है कि आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ ये सब पाठ अपलोड होते हैं, वहाँ पर ये सब पाठ मिल जाते हैं आपको समय समय पर। और विशेषकर कोई विशेष प्रश्न होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज से जुड़कर वहाँ पर भी प्रश्न कर सकते हैं। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।